हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने IQ9 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो टच साउंड सेटिंग को अपना इनेबल कैसे कर सकते हैं, यानी कि ऑन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और ये टच साउंड सेटिंग जो है इनेबल होने के बाद ये सेटिंग कैसे काम करती है, आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज को ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज को ओपन कर लीजिए अपने मोबाइल फ़ोन में। सेटिंग पेज में आपको ना नीचे आना है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा साउंड एंड वाइब्रेशन, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अब इसके अगले पेज में आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा ये टच साउंड का। टच साउंड इस ऑप्शन के ठीक सामने आपको ये बटन दिया हुआ है, इस बटन को आपको है ना टैप करना है, ठीक है। तो ये बटन आपका जो है ब्लू कलर में इस तरीके से ऑन हो जाएगा, यानी कि आपकी सेटिंग इस तरीके से इनेबल हो जाती है। अब ये टच साउंड सेटिंग जो है इनेबल होने के बाद ये सेटिंग कैसे काम करेगी ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, जब भी आप अपने मोबाइल फ़ोन के किसी भी पेज पर होंगे या फिर किसी भी ऐप के अंदर होंगे, अगर आप किसी भी ऑप्शन या बटन को अगर आप टच करेंगे तो आपके मोबाइल फ़ोन से एक साउंड क्रिएट होगा, ठीक है। तो ये सेटिंग जो है ना टच साउंड सेटिंग इनेबल करने के बाद ही सेटिंग कुछ इस तरीके से काम करेगी आपके मोबाइल फोन में, ठीक है। अब मैं आपको यह भी बता देता हूं कि कैसे आप इस टच साउंड सेटिंग को अपने मोबाइल फ़ोन में आप शॉर्टकट तरीके से कैसे ढूंढ सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा, ये जो आपके मोबाइल फ़ोन का सेटिंग पेज है इसे आपको फिर से ओपन करना है स्टार्टिंग से, ठीक है। तो सेटिंग पेज को यहाँ पे फिर से ओपन कीजिए। सेटिंग पेज में आपको सबसे ऊपर ये ऑप्शन मिलेगा सर्च आइकन का, इसे आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको सर्च बार में सेटिंग का नेम आपको टाइप करना है टच साउंड, ठीक है। इस तरीके से आपको टच साउंड यहाँ पर टाइप करना है तो आपको नीचे की साइड ये टच साउंड का ऑप्शन शो हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप सर्च बार में सेटिंग का नेम आप टाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। अगर आप यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे तो आपको नीचे ये ऑप्शन दिखाई नहीं देगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जब ये ऑप्शन नीचे की साइड में शो हो जाता है तो इसे आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका मोबाइल फोन आपको डायरेक्टली इस सेटिंग में आपको लेकर आ जाएगा और इस सेटिंग को हाईलाइट करेगा। तो ये मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका भी बता दिया है इस सेटिंग को ढूंढने का आपके मोबाइल फोन में।